नमस्कार, मैं हूँ योगिता सिंह और आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने खास शो में जिसका नाम है अंकुर रे ऑफ होप। दोस्तों, शादी के बाद सबकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं बहू से? यही ना कि वो जल्दी से दादा दादी बना दे या नाना नानी बना दे। लेकिन कई बार एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरती वो नई लड़की। क्यों? क्योंकि शायद उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। बहुत सारी तोहमतें उसे झेलनी पड़ती है, बहुत सारे नाम उसे दिए जाते हैं जो अच्छे नहीं हैं। पर अब मेडिकल साइंस ने चूंकि बहुत तरक्की कर ली है तो इन तोहमतों के बाहर निकला जा सकता है। जो भी परेशानी किसी लड़की में है उससे बाहर निकला जा सकता है। और आपको बाहर निकालने के लिए ही हमारा ये खास शो बना है जिसमें हमारी मदद करती हैं देश की जानी मानी फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रीता बख्शी। डॉक्टर रीता बख्शी टॉप इंटरनेशनल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की लिस्ट में एक जाना पहचाना नाम, जिनकी रिसर्च और एक्सपीरियंस द्वारा उम्मीद की किलकारियां गूंज रही है। डॉक्टर रीता बख्शी ARD स्पेशलिस्ट हैं और इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर की चेयरपर्सन भी हैं। डॉक्टर रीता बख्शी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ICSI और ट्यूबल माइक्रोसर्जरी एक्सपर्टीज के लिए विशेष सराहना मिली है। हजारों कपल्स की जिंदगी में नया अंकुर खिलाने वाली डॉक्टर रीता बख्शी इनफर्टिलिटी के अंधेरे को दूर करने में निरंतर प्रयासरत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रीता बख्शी। वेलकम टू केवल डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर रीता, मेरे मन में एक सवाल है। हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, बांझपन की बात कर रहे हैं। मैंने ट्यूबुलर ब्लॉक्स के बारे में बहुत सुना है, क्या है ये? देखिए, पहले मैं आपको योगिता बताना चाहूँगी ट्यूब जिसको है क्या चीज़। अब हमारा शरीर जैसे एक औरत का शरीर जब आप इमेजिन करें, बाहर वजाइना होता है, उसके अंदर बच्चेदानी का मुंह या सर्विक्स होता है, उसके बाद बच्चेदानी होती है और अंडेदानी और बच्चेदानी को कनेक्ट करते हुए ट्यूब होते हैं। यानी कि जहाँ अंडा जहाँ निकलेगा वो ट्यूब के थ्रू आएगा और बच्चेदानी के अंदर आएगा। तो ये जो ट्यूब होते हैं ये कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। ट्यूब के दो एंड होते हैं, एक बच्चेदानी की तरफ, एक अंडेदानी की तरफ। ब्लॉक दोनों तरफ हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। अगर आपका अंडेदानी की तरफ ब्लॉक है तो अंडा ट्यूब में आएगा ही नहीं, तो वो बच्चा बनेगा कैसे? अगर वो बच्चा बन गया, ट्यूब बच्चा बनता है ट्यूब के अंदर। अगर नेचुरल हम देखें कि शुक्राणु जाते हैं, अंडा आता है, दोनों ट्यूब के अंदर मिलते हैं। अगर आपका बच्चेदानी वाला साइड ब्लॉक है तो वो शुक्राणु उसके अंदर जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो वहीं फंस जाएंगे, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा बन के ट्यूब से बच्चेदानी में आया नहीं। तो आप सोच सकती हैं ट्यूब एक नलकी है जो बच्चेदानी और अंडेदानी को कनेक्ट करती है। तो ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, ये एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है फीमेल इनफर्टिलिटी का। दोस्तों, अगर आपके भी मन में इस मुद्दे को लेकर कोई भी सवाल उठ रहा है तो अपने सवालों को सिर्फ अपने तक मत रखिए, क्योंकि आप स्वयं तो जवाब दे नहीं पाएंगे। हमारे एक्सपर्ट की टीम मौजूद रहती है आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए। आप डॉक्टर रीता बख्शी से संपर्क कर सकते हैं उन नंबर्स पर जो इस वक्त आपके TV स्क्रीन पर है। ये तो आपने ट्यूबुलर ब्लॉक्स के बारे में बताया जिस वजह से बांझपन हो सकता है, और भी कुछ क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से बांझपन हो सकता है? देखिए, आपने बड़ी कॉमनली सुना होगा योगिता, एक वर्ड है फाइब्रॉइड। कई औरतें आपको कहेंगे हमें फाइब्रॉइड है। अब फाइब्रॉइड एक ऐसा ट्यूमर होता है, वर्ड ट्यूमर ही है इसके लिए, पर बिनाइन होता है, मतलब कैंसर वाला, मेलिग्नेंट नहीं है, एक बिनाइन ट्यूमर होता है। यानी कि जो आपके बच्चेदानी की जो मसल है मायोमीट्रियम, वो मल्टीप्लाई करके ऐसे गोला सा बन जाता है जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं। अब कई लोगों को ढेरों फाइब्रॉइड होते हैं बच्चेदानी में, आप देखेंगे उनका अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ढेरों फाइब्रॉइड उनके, कोई बच्चेदानी के अंदर, कोई मसल में, कोई बाहर, उसको ब्लॉक कर रहा है। अगर फाइब्रॉइड ऐसा हो जो आपके ट्यूब्स के मुंह पे हो या बच्चेदानी के मुंह पे ही हो, तो जिससे शुक्राणु या बच्चा आगे चल ही नहीं सकता, या ऐसा होता है कि वो बच्चा टिक गया, इम्प्लांट हुआ फाइब्रॉइड के ऊपर जाकर, तो वो पनपेगा नहीं और धीरे धीरे अबॉर्ट हो जाएगा, जिसको हमें मालूम है कि जिसको हर महीने, दो महीने, तीन महीने में अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो फाइब्रॉइड, जैसे मैंने आपको कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। मगर मैं ये बहुत कहना चाहूँगी कि कई डॉक्टर छोटे फाइब्रॉइड को भी बहुत बड़ा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे फाइब्रॉइड अगर हैं तो वो तंग नहीं करते। फाइब्रॉइड कहाँ है, 5 सेंटीमीटर से ऊपर है कि नहीं,
कौन से लोकेशन पर है जहाँ पे वो डैमेज कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और ये एक सही डॉक्टर ही बता पाएगा अल्ट्रासाउंड के बाद, एमआरआई के बाद, कि वो फाइब्रॉइड आपको फर्टिलिटी में तंग कर रहा है कि नहीं। अगर आपने अभी टीवी ट्यून इन किया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये प्रोग्राम फिर रिपीट होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम को हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, www.careworldtv.com पर। वहाँ जाइए, टाइप कीजिए हमारे प्रोग्राम का नाम अंकुर अ रे ऑफ होप, और फिर देख लीजिए हमारा एपिसोड। इसके अलावा अगर आप इसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी इनफर्टिलिटी से, तो आप उन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारी डॉक्टर्स की टीम आपकी मदद के लिए तत्पर रहती है। डॉक्टर रीटा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। डॉक्टर रीटा, आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया जिनकी वजह से बांझपन आ सकता है, आपने एक PCOS का भी नाम लिया, ये है क्या एक्चुअली? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इतना कॉमन डायग्नोसिस है, हर लड़की, एक टीनेजर अगर आपके पास आएगी तो उसकी साइकिल्स आप सुनेंगे कि मेरे को 35 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन में साइकिल नहीं आ रही है, और मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, और बाल अगर देखेंगे उनके फेस वगैरह पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर हेयर थिनिंग होती है। तो PCOS जो बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कि हर महीने एक अंडा निकलता है अंडेदानी से, मगर ऐसी लड़कियों को हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण एक अंडे के बजाय बहुत सारे अंडे शुरू हो जाते हैं इनके बढ़ने, मगर एक भी अच्छा नहीं। यानी कि इतने सारे, एक अंडे की बजाय सारे अंडे शुरू हो गए, मगर एक भी बढ़कर जो असली बच्चा बना सकता है या जो असली साइकिल, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोड्यूस करता है, वो नहीं होता। तो पॉलीसिस्टिक, वो सिस्ट बन जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। जो अगर हम इनको, अगर आप ट्रीटमेंट के हिसाब से मुझसे पूछें, तो मैं कहूँगी इनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे के इसको पूरे ओवरी को थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं, ताकि जब अंडा निकले तो बहुत अच्छा अंडा निकले। यानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मौजूद है फीमेल इनफर्टिलिटी में भी? बिल्कुल। और उसमें टाइम कितना लगता है? देखिए, 4 से 6 महीने लग जाते हैं ओवरी को प्रिपेयर करने के लिए, और एक बार हार्मोन्स कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर रिबाउंड ठीक भी हो जाते हैं, कई बार उन्हें फिर थोड़ी और हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, बट फॉर द टाइम बीइंग वो सप्रेस होता है, फिर हम उसको राइट स्टिमुलेटिंग करें तो ओवरी वापस अपने उस पर भी आ जाती है। डॉक्टर रीटा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो मुझे भी नहीं मालूम थी। क्या कुछ ऐसी और भी बातें हैं जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हमारे जो फीमेल, जो हमारे लोग हैं तो देखते हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है? एक और एंटिटी जो इम्पॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, वो है चॉकलेट सिस्ट। ओवरी के अंदर, ओवेरियन कॉज में अगर मैं कहूँगी, तो चॉकलेट यानी कि चॉकलेट जैसा मटेरियल, यानी कि ब्लड जो है वो इतना डार्क और थिक हो जाता है कि वो चॉकलेट जैसा, अगर हम उसको काटेंगे चॉकलेट जैसा निकलता है, इसलिए इसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। इसका होता क्या है? पेन होता है सेक्स के वक्त, डिस्परूनिया जिसे हम कहते हैं, मेंसिस के वक्त जिसको डिसमिनोरिया कहते हैं, और इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि ये वहाँ जाकर चिपका देता है, एडहेशंस कर देता है, तो आपका ट्यूब खिंच जाता है, आपका एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से चिपक जाता है, तो जो हमारी नॉर्मल एनाटॉमी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि अंडा जैसे निकलना चाहिए, जैसे ट्यूब में आना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं हो रही होती, और इसके कारण भी इनफर्टिलिटी होती है। इसका भी इलाज है? बिल्कुल, इसका भी इलाज है। लैप्रोस्कोपी है, फल्गरेशन कर सकते हैं, हम सिस्ट को निकाल सकते हैं, कुछ हॉर्मोन्स हैं जिनको हम दे सकते हैं, और अगर इन सब चीज़ों से बच्चा नहीं सेटल हो रहा होता तो उसके बाद IVF है, सरोगेसी है, ये सारे प्रोसीजर्स इन्हीं लोगों के लिए बने हुए हैं। डॉक्टर रीटा, सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये उठता है कि हम महिलाएँ जो हैं, हम औरतें जो हैं, वो कैसे बचें इन सारी चीज़ों से? योगिता, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि बचने के लिए आपको अपनी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान, हर औरत अपनी सेहत का ध्यान रख के एक रेगुलर ईयरली पैप्समियर करवाकर, ये इतना छोटा सा जांच है, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर एक छोटा सा एक स्मियर बनना होता है, उसके अंदर कितनी बीमारियां, आपकी कितनी बीमारियां मालूम पड़ जाती हैं, और उन बीमारियों का आप इलाज आज इसी वक्त करवा सकते हैं। साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगी, हाइजीन जो बहुत ज़रूरी है, आप अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कई बीमारियाँ मैंने आपको कहा जो इन्फेक्शंस जो हैं वो हमारी पुअर हाइजीन से होती हैं। आप ज़रूरी है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखिए, अगर कोई इन्फेक्शन आपको कभी भी लगता है किसी डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज करिए, और आप अपनी
इन सब बीमारियों से अपने को बचाइए और अपने रिप्रोडक्टिव करियर की तरफ पूरा ध्यान करिए। डॉक्टर रीता बख्शी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन के वर्ल्ड एंड हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्लेजर। फ्रेंड्स, अगर आप ही निसंतान हैं, इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, तो परेशान मत होइए। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने मन में जितनी भी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स आपको मिल सकते हैं डॉक्टर रीता बख्शी और उनकी टीम के द्वारा। इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर, G36 ग्रीन पार्क मेन, न्यू दिल्ली 110016। हमारे फोन नंबर्स हैं 09555555421, 09555444422 और 09555444423। हमारी वेबसाइट है www.internationalfertilitycenter.com। हमारा ईमेल एड्रेस है rita@internationalfertilitycenter.com। फ्रेंड्स, आज हमने बात की है फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। अपने आने वाले कार्यक्रम में भी आपको मैं ऐसी ही कुछ खास बातें बताती रहूंगी ताकि आपके घर आंगन में किलकारियां हमेशा गूंजती रहें। आज मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।